हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर फैक्ट के रूप में होगा और ये पार्ट वन होगा। इसके बाद एक और पार्ट आएगा। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई रहेगी, आप उसमें देख सकते हैं, जो MPPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो हम इस लेक्चर में इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, निश्चित ही आपको कवर कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो 1730 की बात है, 1730 में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था। तो होलकर वंश का संस्थापक कौन था? मल्हार राव होलकर था, जिसने 1732 ईस्वी में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। होलकर वंश की स्थापना किसने की? मल्हार राव होलकर ने। इंदौर राजधानी थी होलकर वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की। इल्तुतमिश ने 1234 ईस्वी में मांडू, ग्वालियर, मालवा पर आक्रमण किया था एवं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। तो क्वेश्चन आ सकता है, उज्जैन पे आक्रमण किसने किया और मांडू पे भी किया, ग्वालियर में भी और मालवा में भी, ये किसने किया था? 1234 में इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक रहा है। इल्तुतमिश सिंधिया वंश के राजा जीवाजीराव सिंधिया ने 1948 में राज्य का विलय भारतीय संघ में कर दिया। राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया, यानी मध्य प्रदेश का भारतीय संघ में विलय कर दिया। तो कब किया था? आज़ादी के बाद की बात है ये, 1948 में विलय हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ। इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला ने, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया था 1531 में। किसने बनाया था? बुंदेल वंश के शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 1569 में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो बघेल वंश था, जो बघेल पूर्वी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद क्या होता है, 3 जून 1857 को नीमच की छावनी में विद्रोह भड़क गया और 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में नीमच के छावनी से ही हुई थी। कहाँ से हुई थी? नीमच से हुई थी, याद रखना, नीमच के छावनी। नीमच में एक छावनी स्थापित थी तो वहीं से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में। कब हुई थी याद रखना है, 3 जून 1857 को। 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने छावनी रेसिडेंसी पर हमला किया था। यह शहादत कहां से क्वेश्चन आता है, यह 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने कहां से किया था? तो महू से किया था, याद रखना है, इंदौर से या महू से, तो ये आपको पूछा जा सकता है। शहादत खान ने महू से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट चलते हैं, 20 जून 1857 को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। किसे? शहादत खान को। आगे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे की सेना ने 22 मई 1858 को कालपी जगह का नाम है, इंपॉर्टेंट है, कालपी में ह्यूरोज की अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया था। वो क्वेश्चन पूछा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई का सामना किसके साथ हुआ था? तो ह्यूरोज के साथ हुआ था। ह्यूरोज अंग्रेज सेनापति था, ये ह्यूरोज के साथ हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सामना, है ना। तो ये कालपी जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। कालपी से किसने नेतृत्व किया था? ग्वालियर से और कालपी से, ये यहां से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई 28 जून 1818 को शहीद हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन ही बन जाते हैं, सामना किसके साथ हुआ था? ह्यूरोज के साथ, और रानी लक्ष्मीबाई जो है 18 जून 1818 को शहीद हुई थी। ह्यूरोज के साथ हुआ था इनका संघर्ष। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? ग्वालियर में। 1907 में जबलपुर में क्रांति दल का गठन किया गया था। यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्रांति दल का गठन कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था 1907 में। और 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। तो यह भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी?
तो ये आपको याद रखना है, स्त्री सेवा दल की स्थापना रतलाम में की गई थी, 1931 में की गई थी। उसके बाद 1928 में भोपाल राज्य प्रजामंडल, इसका सनई पूछा जाएगा, 1928 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। फिर 1942 की बात है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी, विदिशा जिले से हुई थी या क्षेत्र से हुई थी, तो ग्वालियर रियासत के अंतर्गत विदिशा आता था, तो विदिशा से हुई थी, याद रखना है, विदिशा ऑप्शन मिलेगा आपको। 2 अक्टूबर 1942 को सत्याग्रहियों ने मंडलेश्वर जेल, जो खरगोन में था, मंडलेश्वर जेल की विशालकाय दीवार को तोड़ डाला था। आगे चलते हैं, नरसिंहपुर के निकट की बात है, नरसिंहपुर के निकट भूतरा नामक स्थान से प्राप्त पाषाणकालीन औजार मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार है। तो ये जगह का नाम है, क्या नाम है, भूतारा नामक स्थान से। ये पाषाण काल का मतलब ही होता है, जब पत्थरों का यूज हो रहा था उसी को पाषाण काल कहते हैं, पत्थरों का उपयोग करता था इंसान, उसे ही पाषाण काल कहते हैं। अकबर के समकालीन गोंड राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती थी। तो याद रखना है, रानी दुर्गावती जो थी ये अकबर के समकालीन थी, अकबर के साथ हुआ था इसका युद्ध, गोंड वंश की शासिका रही है, गढ़मंडला की शासिका थी, याद रखना है। और अगला फैक्ट चलते हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिले। तो दतिया में एक है गुर्जर अभिलेख जो अशोक का अभिलेख है। इस अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि दतिया जिले में है, अशोककालीन अभिलेख है, मौर्यकालीन है, अशोक ने बनवाया था, अशोक का अभिलेख है। आधुनिक अमरकंटक का क्षेत्र प्राचीन काल में मेकल के नाम से जाना जाता था, मेकल पर्वत श्रेणी भी आपने सुना होगा। तो ये मेकल वाला जो क्षेत्र है अमरकंटक के बाद का, अमरकंटक मेकल की ही चोटी है सबसे ऊंची, अमरकंटक का क्षेत्र प्राचीन काल मेकल के नाम से जाना जाता था। और जो मेकल, तो वहां पे मेकल में एक वंश भी रहा है जिसका नाम है मेकल वंश, का सर्वप्रथम राजा जयमल नाम था उसका। तो मेकल वंश का सर्वप्रथम राजा जयमल था। तो याद रखना है, पूछा जाएगा डायरेक्ट। खजुराहो मंदिर है, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। वहां पे कुल 85 मंदिर थे। वर्तमान में 22 ठीक अवस्था में, तो पहले 85 थे, वर्तमान में 22 मंदिर ठीक अवस्था में है, 22 मंदिर बचे हैं। इसमें से कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। गंगदेव चंदेल वंश का रहा है, ये चंदेल वंश का शासक गंगदेव ने करवाया था, याद रखना है। ये कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो का। खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में बांटा गया है, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा गंग ने करवाया था, चंदेल वंश का शासक था ये राजा गंग देव। में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पर चंदेल वंश के शासकों का शासन था उस समय उसे जे जाक भुक्ति कहा जाता था। ये पूछा जाता है, बुंदेलखंड को कहा जाता था जे जाक भुक्ति किसे कहा जाता था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी स्थापना 831 में नानुक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। चंदेल वंश की स्थापना नानुक नामक व्यक्ति ने की थी, याद रखना है। बुंदेला विद्रोह डायरेक्ट पूछा जाएगा। 1842 में मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरी ज्वाला भड़की, जिसे बुंदेला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था बुंदेलखंड के क्षेत्र में। आगे चलते हैं, 18 अप्रैल 1859 को क्रांतिकारी तात्या टोपे को
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी की सजा दी गई थी। शिवपुरी के जंगल में पकड़े थे इन्हें, तो वहीं पे इनको फांसी की सजा दी गई थी। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है, और इसे किसने धोखा दिया था? मान सिंह ने विश्वासघात किया था इनके साथ, याद रखना है। तो तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? शिवपुरी में। 1891 में कांग्रेस का सातवां अधिवेशन मध्य प्रदेश के नागपुर में हुआ था, सातवां हुआ था याद रखना है, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चारलू ने की थी। पी आनंद चारलू ने की थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश में 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था, याद रखना है, झंडा सत्याग्रह हुआ था जबलपुर में, है ना। राष्ट्रीय ध्वज की संप्रभुता व अस्मिता को लेकर जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था जबलपुर में। तो इस लेक्चर से इतना ही, इसके बाद आएगा पार्ट 2 जिसमें सारा डिस्कस कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, नमस्ते।